बार बार इस बात को कह रही हो कि धोनी, हम धोनी को जैसे देखना चाहते हैं एज अ फैन, मुझे लगता है हम सब थोड़े दुखी है और शायद इसीलिए हमारा सारा पूर्णिमा भी दुखी है, इसलिए ये सवाल लेकर मैं जाऊंगा क्योंकि ये सवाल के लिए मुझे कहा जा चुका है। अभी मैं लेकर जाता हूँ, क्या धोनी धोनी जैसा दिखाई देंगे श्रुति, या धोनी को लेकर आगे आने वाले दिनों में भी ये चैलेंजेस हैं? देखिए 25 तारीख आज लास्ट थी और इसके बाद 27 के बाद धोनी अपने फॉर्म में आ जाएंगे। 29 से समझ लीजिए, 27 से 29 से ये अपने फॉर्म में आएंगे। सो आफ्टर 29 इनके जो मैचेस रहेंगे ये अपने फॉर्म में रहेंगे और बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे, लेकिन इससे पहले चैलेंजेस इनके साथ लगे रहेंगे, तो ये एक मेजर इनके साथ प्रॉब्लम बनी रहेगी। आफ्टर 27 ये अच्छा करने लग जाएंगे। ऐसे भी अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ विकेट्स के हिसाब से इन्होंने अच्छा किया। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो प्लेयर्स हमने बोले थे और जो चेज हमने बोला था सीएसके के लिए टफ रहेगा, तो चेज ही इनके लिए एक चैलेंज बन के आया। तो अगर ये चेज नहीं करना चाहते, अगर ये पहले बैटिंग कर लेते तो शायद इनकी विक्ट्री की चांसेस स्ट्रॉन्गर थी। लेकिन हमने जब सर्वे किया था पूर्णिमा, तो उसका नतीजा ये दिखा रहा था सिर्फ 3% 3% लोगों ने ये कहा था कि वो नंबर 6 पर आए और बैट करें, लेकिन वो उन्होंने शायद वो सर्वे देखा नहीं। रीमा, मुझे लगता है देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि स्टाफ इसलिए होता है कि वहाँ पर डिस्कशन चलता है, लोगों के अपनी ओपिनियन है। लेकिन श्रुति ने जैसा बोला, मैं चाहूँगी उनके मुंह में घी शक्लों के 27 के बाद धोनी फॉर्म में आए और जीते, क्योंकि मैं धोनी को जीतते हुए देखना चाहती हूं। दिनेश, रीमा उनकी फैन है, लेकिन हकीकत यह है धोनी इज नॉट लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। हकीकत बस इतनी सी कहानी है कि धोनी आज खुद कतरा रहे हैं, उनकी प्लेइंग 11 में वो दम नहीं है, और रैना और कुछ अहम खिलाड़ियों के जाने के बाद, लेकिन ये समझना होगा कि चेन्नई सुपर किंग्स की भी टीम स्क्वाड में ऐसे लोग हैं जो कि इसको दमदार बनाएंगे, बस उसका इंतजार ही बार-बार क्यों है कि हम इन फैक्ट्स को नजरअंदाज कर रहे हैं। मतलब अगर चेन्नई खिलाड़ी के बारे में ये कहना एज अ क्रिकेट प्लेयर, मैं नहीं समझती कि इतनी इतनी छोटी स्टेटमेंट हमें देनी चाहिए, बिकॉज इतना बड़ा प्लेयर है, इतना बड़ा नाम है आपके लिए, ऑलमोस्ट सारी ICC टूर्नामेंट ट्रॉफीज वो जीत चुके हैं, वो कारनामा जो किसी कैप्टन ने नहीं किया। बट तो महेंद्र सिंह धोनी के बारे में अभी कुछ बहुत जल्दी धारणा ना बनाई जाए, और ये एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि महेंद्र सिंह धोनी के बारे में कुछ एक नतीजों के आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि वो फ्रंट से लीड नहीं कर रहे हैं। ये विशाल स्टूडियो, ये हाई फाई ग्राफिक्स, एक्सपर्ट्स ओपिनियन, डग आउट्स और तमाम डिफरेंट एलिमेंट्स आपको ये इस लीग के एक्सपीरियंस को एनरिच करने के लिए ये तमाम एलिमेंट्स आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं दिल्ली और चेन्नई के बीच में कंपैरिजन का ये ग्राफिक्स, और ये जाहिर है जब कहा जाता है कि महेंद्र सिंह धोनी को कुछ एक मैचों के नतीजों के आधार पर आप उनके बारे में कोई धारणा ना बनाएं, क्योंकि वो ऐसे बाजी कर रहे हैं जिनको हार के जबड़े से जीत को खींचना आता है। और मैं तो चाहती ही हूँ, इसीलिए जब हम ये कहते हैं कि बूढ़ा शेर, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं तो उनको आप इमोशनली सोच रहे हैं, प्रैक्टिकली 1.5 साल से धोनी बाहर है, आज धोनी के अंदर वो चीज स्पार्क नजर नहीं आ रहा। 12 बॉल 15 रन, मैं फिर कह रहा हूँ, और लगातार वो स्ट्रगल कर रहे हैं। पिछले गंभीर ने भी सवाल खड़ा किया, गौतम गंभीर का भी कमेंट था, तो कहानी है।